नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आज मैं आपको बताने वाला फ्लोरिंग टाइल्स कैसे लगाना है। आपको फ्लोरिंग टाइल्स लगाने का बेस्ट आइडिया देने वाला हूँ, ए टू जेड जानकारी देंगे कि आपको फ्लोरिंग टाइल्स किस प्रोसेस से लगाना है, कैसे काम करना है, क्या टेक्निक होता है, क्या दिमाग लगाना है, कैसे लेपनिंग करना, हर एक चीज बताएंगे, किस प्रोसेस से आपको ढाल देना, किस तरह से आपको टाइल्स को फिटिंग करना, वो सारा जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको अधिक से अधिक नॉलेज मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये रूम है, ठीक है, यही रूम है और इसी रूम में है जो कि टाइल्स को लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हम मसाला बना चुके हैं। मसाला बनाने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, इसमें घोला पानी से देख पा रहे यहाँ पे हम मारे हुए हैं, घोला मार देना है ताकि छत की मजबूती बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम मार दिया, अब इसमें मसाला भी बन गया। मसाला जो हम बना रखे आप जिसे देख पा रहे ये 6 का मसाला, ठीक है, लेकिन 6 बोरिया बालू दिए, 1 बोरिया सीमेंट दिए, इस प्रोसेस से मसाला बनाया, 2 बोरा का मसाला ऑलरेडी तैयार है, अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। और खासकर बात यह है कि आज मैं आपको प्लास्टर करने का बताने वाला तरीका कि आपको प्लास्टर करके कैसे टाइल्स लगाना है, किस तरह से मसाला कटिंग करना है, वो आइडिया देने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, समझना मेरे भाई, ले चलता हूँ वीडियो के और उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेगा जितेंद्र भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना, क्योंकि ऐसी कॉन्टेंट जितेंद्र भाई आप लोग ये प्रत्येक दिन लेकर आते रहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। आप देखिए मेरे भाई, ऑलरेडी हम देखिए टिप्स लगा चुके हैं, ठीक है। अब टिप्स आपको कैसे लगाना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले अगर आप जीरो लेवल में लगा रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक जगह से एक बराबर में लेकर चल जाओगे, लेकिन अगर आपको ढाल देने की बारी आया तो आपको ढाल में किस प्रोसेस देना वो आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमें इस गेट में पानी निकालना, ठीक है, इधर बाहर की ओर छज्जा पे पानी निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या किया है, 55 पे स्टेप लगाए, ठीक है, ये टिप्स जो लगाए 55 पे लगाए, यहाँ से आधा इंची जो है इधर ऊंचा किया, ठीक है, ये ऊंचा किया आधा इंची, तो यहाँ से वो 55 था, यहाँ 54.5 कर दिए, ठीक है, और वहां से आधा इंच जो है वहां पे ऊंचा किया, ठीक है, 54, ठीक है, वहां 54 हो गया। अब सेम प्रोसेस आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको, यहाँ से आपको यहाँ पे जो है बीच में इस टिप्स पे आपको आधा इंच ऊंचा करना, तो ये 55 था वो हो गया आपका 54.5, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस आता है कि यहाँ से इसके पार्ट से इधर जो है, फिर इधर से ढाल आपको इधर देना, तो यहाँ से एक सूता इधर टाइट किए, ठीक है, और फिर हम क्या किया वहां से जो है उस टिप पे वहां से एक सूता उधर टाइट किया है, इस प्रोसेस से मेरे भाई यहाँ पे ढाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आपको फंटी कैसे चलाना, प्लास्टर कैसे करना, क्योंकि अक्सर यहाँ पे दिक्कत होता है, अगर आप सही प्रोसेस प्लास्टर नहीं करते तो आपके टाइल्स में आवाज आने का चांस रहता है, ठीक है, तो आपको प्लास्टर कैसे करना वो आइडिया मैं आपको देता हूँ। आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पे आपको ध्यान देना, ठीक है, अब हम प्लास्टर करते हैं, यहाँ पे आपको पहले टिप्स लगाना, ठीक है, टिप्स लगाने के लिए देख पा रहे हो वहाँ पे ठिया लगाए हुए हैं, वहाँ ठिया लगाए हुए, आप फंटी को आपको चलाना, तो फंटी चलाने के लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे कि देख मान लीजिए इधर से हमको पहले करना, ठीक है, पहले आपको एक साइड जो है प्लास्टर करना है, ऐसे इस प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जिधर कटिंग करते उधर आपको हाथ से दबाव देना है, एक हाथ में आपको बैलेंस रखना, फंटी ऊपर की ओर रखना, ठीक है। अब देखिए ये साइड हो गया, अब आपको करना क्या होगा, इधर के साइड आपको दबाव देना है ये हाथ में, और ये हाथ में बैलेंस रख के फंटी चलाना है। अब देखिए मेरे भाई, अब आपको करना क्या होगा, बीच में फंटी चलाना, ठीक है, फिर में ऐसे चला लेना है, अब देखिए बराबर हो गया, अब आपको करना क्या होगा, इस प्रोसेस से कटिंग करते हुए आगे बढ़ना है, फिर आपको ये साइड भी आपको कटिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है, ऐसे। अब एक चीज ध्यान रखना है, आपको अंतिम में फंटी इस प्रोसेस हिला के देख लेना, ठीक है, इस प्रोसेस से हिला के देख लेते हैं, आपका फंटी नचना नहीं चाहिए, ठीक है, इस प्रोसेस से कर लेना, ये हो गया। आप क्या करना है, आपको सेम प्रोसेस आपको उल्टे साइड दीवार में करना है, ठीक है। आप देखिए मेरे भाई, इधर भी टिप्स लगा लिए, उधर भी टिप्स लगा लिए, ठीक है, आप होगा कि इधर से प्लास्टर करते हुए आपको बाहर की ओर निकलना है, ठीक है, तो आपको आपको करना क्या होगा, पहले आपको सेम प्रोसेस जैसे उधर और इधर किया ना, सेम प्रोसेस से पहले आपको यहाँ पे टिप्स लगाना है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, सेम प्रोसेस इधर हो गया, आप क्या करना है, आपको इधर मसाला कटिंग करना, तो ये हाथ में दबाव देके ये हाथ में बैलेंस रखना ऊपर की ओर, ठीक है, उसके बाद मसाला कटिंग करना है, और सेम प्रोसेस से आपको जब इधर कटिंग करते हो तो इधर दबाव देके, और ध्यान रखना है कि अगला टिप्स आपको नहीं कटना चाहिए मसाला, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना आप।
अब देखिए मेरे भाई, ऑलरेडी जो है प्लास्टर करके जो है ना, देखिए इस प्रोसेस प्लास्टर करके टाइल्स बिछा लिए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जब प्लास्टर हो जाता है तो टाइल्स आपको गुनिया में करना होगा, ठीक है। पहले आपको गुनिया में करना होगा, जैसे कि देख पा रहे होंगे ऑलरेडी हम यहाँ पे एक लंबे जो दीवार होता है ना, जैसे कि देख पा रहे होंगे लंबे दीवार, इधर से हम जो है कि गुनिया में कर लिए, ठीक है। गेट पर से आपको दोनों साइड से गुनिया कर लेना है और एक एक लाइन बिछा लेना है। एक लाइन उधर भी बिछाना है आपको और एक लाइन इधर भी बिछा लेना गुनिया करके, ठीक है। ये गुनिया हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस आता है आपको लगाना। तो लगाने का प्रोसेस देखिए मेरे भाई, उल्टे साइड से आपको करना, जैसे कि देख पा रहे होंगे उधर मेरा निकास है, ठीक है, वो साइड निकास है, तो हम पीछे की ओर आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पीछे आ गए हैं। अब यहाँ से दोस्तों एक लाइन इधर से भी बिछा लेना, ठीक है, ये बिछा लेना। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा टाइल्स लगाने में, उसके बाद आपको जॉइंट भी मिलाने में आसानी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस से आप देखिए, हम इस पर जो है घोला देके उसके बाद लगाएंगे। तो लगाने का क्या प्रोसेस होता है वो भी जानकारी देंगे, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से प्रोसेस होता है टाइल्स लगाने, यहाँ पे मिस करोगे ना तो आपका टाइल्स में आवाज जाएगा, एयर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं जो प्रोसेस आप मान लीजिए प्लास्टर हो गया कंप्लीट, अब यहाँ पे लगाना आपको, तो यहाँ पे घोला जब डाल रहे हो तो घोला डालने में आपको ध्यान रखना है, मोटा घोला नहीं देना ना ही पतला घोला देना, ठीक है, मीडियम साइज में घोला देना, जितना आपका मसाला पानी टांता वही हिसाब से आपको घोला देना, ठीक है। अगर आपको पतला घोला दोगे तो फिर ज्यादा गीला हो जाएगा, गाढ़ा घोला दोगे तो आपको क्या होगा भबरेट मारेगा, तो आपका जो है टाइल्स कवर जाएगा, ठीक है, कवर जाएगा, मसाला को छोड़ देगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, आपको मीडियम साइज में यहाँ पे घोला देना, ठीक है। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे डालते हैं, अब देखिए घोला डाल दिया। आप एक यहाँ पे खांचा जब लगाते हो तो स्ट्रेट में लगाना, मसाला कलटना नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना, आपको स्ट्रेट में खांचा आपको इस प्रोसेस से लगाना, ठीक है, मसाला कलटना नहीं चाहिए। देखिए इस प्रोसेस से खांचा लगाना, जिससे कि दोस्तों आपका मसाला भी अलग जाएगा और ऊपर में जो पानी रहेगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा तो आपको एयर बनने का चांस खत्म हो जाता है। एयर यही बनता है, ज़्यादा घोला डालोगे उसमें भी एयर बनेगा और ज़्यादा कम डालोगे उसमें भी एयर बनेगा। तो आपको मीडियम साइज में डालना, जितना आपका मसाला सोखता है पानी को उतना ही घोला आपको इस पर देना, ठीक है। अब एक चीज़ देखना, ध्यान देना, आप बेंडिंग आता है तो बेंडिंग के समस्या खत्म होगा, आपको एरो देख के लगाना होगा, एरो एक तरफ लेके चलना होगा, ठीक है, एरो में मिस करोगे तो आपका बेंडिंग आना निश्चित है, ये चीज ध्यान में रखना आप। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ बात आता है ठोकने का, ठीक है, अब यहाँ पे ठोकने की बात आता है तो हमेशा आपको ज़्यादा ठुकाई नहीं करना, ज़्यादा ठुकाई करोगे तो ये जो होगा आपका प्लास्टर बैठ जाएगा और उसके बाद घोला लेकर टाइल्स आपका भबरेट मार लेगा, ठीक है, वो टाइल्स आपको हिलते रह जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब कोना में तो कभी मत ठोकना, कोना में ठोकोगे तो दिक्कत हो जाएगा, आपको चारों बगल से चार चार इंच जो है छोड़ के बीच में ठुकाई करना। Thank you.